भारत से दो पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए, संजय सिंह के खिलाफ जो ईडी का एक्शन हुआ है, 5 दिन की ईडी रिमांड में संजय सिंह को भेजा गया कल। आप जानते हैं 10 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की रिमांड में है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी सीधे बीजेपी के निशाने पर आ गई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा हमला बीजेपी पर बोला जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच अरविंद केजरीवाल से अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई राहुल गांधी जो है वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के समर्थन में कुछ कहते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे, और इस पर अरविंद केजरीवाल की जो प्रतिक्रिया थी, जो जवाब था, जरा सुनिए पहले। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। और देखिए आज जब मैंने शो शुरू किया अपना 12 से 2 पॉलिटिकल शो, तो यही वो बड़ा सवाल था जो हमने आपके सामने रखा था कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अकेले पड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल, और फिलहाल राहुल गांधी को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाता है और जवाब कुछ यही इशारा करता हुआ अरविंद केजरीवाल का। इस बीच विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन तो बना लिया, लेकिन ये जो गठबंधन बना अभी भी भीतर से मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहा, और ये कमजोरी संजय सिंह के मामले में तो अब खुलकर सामने आ गई है। इंडिया के बैनर तले अभी तक संजय सिंह के खिलाफ जो ईडी वाला एक्शन हुआ है उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं आया, आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल। दिबांग जी, ये जो बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बारे में, ये अभी तक है। इतने सालों से आप सत्ता से दूर हैं पर अभी भी आप एक सूती सी पार्टी लगते हैं। आप हमेशा देर कर देते हैं, आपको हमेशा समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, और मेरे ख्याल से उसी का उदाहरण है। और अरविंद केजरीवाल की झल्लाहट भी इसमें दिखाई देती है, कुछ ये भी दिखाई देता है कि हमें आप अकेला क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो अपनी बात को रख रहे हैं। मुझे लगता है कि शाम तक नहीं तो कल तक उन कांग्रेस वाले जगेंगे और एकाध कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा, लेकिन फिलहाल उनको आना चाहिए था। ये बड़ा ये मामला जो है वो कांग्रेस सो रही है, देर से कांग्रेस पार्टी जागती है, उससे जुड़ा हुआ है, या फिर ये सोची समझी रणनीति है कांग्रेस पार्टी की कि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस के सामने सचमुच समस्याएं हैं और हम जानते हैं वो क्या समस्याएं हैं, चाहे वो दिल्ली का मामला हो या पंजाब का हो या दूसरे प्रदेशों में भी जहां आम आदमी पार्टी पांव पसारने की कोशिश कर रही है। तो उनके आपसी अंतर विरोध इतने ज़्यादा हैं और बिल्कुल गंभीर हैं कि उनके लिए आसान नहीं होता कई बार ऐसे मामलों में तुरंत एकदम प्रतिक्रिया देना। तो वो सो न भी रहे हों, लेकिन इसके लिए एक सही रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करने में मुझे लगता है कि उनको थोड़ा समय लगेगा, बहुत सावधानी से करना पड़ेगा कि वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए भी ना दिखें और बीजेपी सरकार पर हमला भी करें। तो ये आसान नहीं है और हमें दिख रहा है, और दिबांग ने ठीक कहा, मतलब एक तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए ये कैच 22 वाली सिचुएशन है जिसमें फंसता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है, क्योंकि मामला यहाँ पर भ्रष्टाचार का है और कहीं ये उल्टा पूरे विपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक धब्बा ना लग जाए। शायद यही वजह जो यहाँ पर हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनको लगता है कि सोच समझ कर आगे प्रतिक्रिया देने की तैयारी में पूरा गठबंधन फिलहाल नजर आ रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।